हाय दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पे। आज 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस। आप सबों को गणतंत्र दिवस की बधाई हो। आज जो शेयर लेके आया था, यस बैंक लाया था। कल मैंने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी किया था, यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको 245 जो मैं दिखिए देखिए कल का हाइएस्ट क्या, 245। अगर कोई मेरे चैनल में होंगे तो उनको पहले ही लिखा हुआ था 220 और फिर 245 के नोट बांटूंगा। आप देखिए इस वीडियो को आज नहीं दिया हुआ है, ये 15 जनवरी को दिया हुआ है। और कोई होंगे मेरे चैनल से जो एसोसिएट होंगे उनको मालूम होगा। ये मैं इसलिए आज बता रहा कि अब तो हो गया, अब क्या करेगा ये। और फिर मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें, एक बार यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो अगर होंगे वहाँ पे तो आपको फायदा हुआ होगा। लेकिन अभी मैं एक चार्ट पे एक सिग्नल देख रहा था, अभी देखिए थोड़ा नीचे आएगा। अभी ये क्या है, एक हैमर पैटर्न है, तो हो सकता है कि नीचे की ओर आपको देखने को मिले। तो ये क्या करना चाहिए आपको, यहाँ से वापस आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए आपको। आपको यहाँ पे वापस लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ये समझिए आपको एसेट के रूप में मिल रहा है ये आपको 300 का लेवल, 257 का लेवल, ये लेवल जब क्रॉस करेगा तो आपको 300 और 350 का लेवल दिखाते देने लगेगा। और मुझे लग रहा है कि आपको 6 महीने के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और 300 का लेवल तो 3 महीने के अंदर अचीव हो जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ एक साथ आप सारा पैसा लगा मत दीजिए। बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी, चार्ट पैटर्न में हो सकता है ये एक बार अप लेकर के फिर नीचे की ओर आए, तो दोनों पैटर्न दिखा सकता है। लेकिन आपको हर लेवल पे बाय करना है। यस बैंक में सिर्फ बाय है रिकमेंडेशन, कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग जिसने कर लिया 245 पे अच्छी बात है, नहीं किया क्योंकि वो नीचे आना था इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए। बढ़िया, मैं आपको 6 महीने के पोजिशनल ट्रेड के लिए 350 का टारगेट बता रहा हूँ, इसमें देखने को मिल सकता है। और 200, 500 नहीं, 1000% मिल सकता है इसे। बहुत ही अच्छा बुलिश, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी गिरावट आ सकती है, वो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको बता दूंगा। वो 2 महीने के, 1 से 1.5 महीने में हो सकता है, फरवरी एंड या मार्च 1 तक बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और 2000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा आप एक साथ यस बैंक पे लगा दें, बट यस बैंक में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे लेवल पे, आपको सिर्फ बाय करना है। तो यस बैंक, कर्नाटका बैंक मेरे लिए फेवरेट है। तो आप इस पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। आप देखेंगे तो ये अभी जस्ट इसने क्या किया था, 50 डेज के जो ये 100 डेज के EMA को इसने क्रॉस किया था, 221 को क्रॉस किया था। क्रॉस करके एक बार एक केवल स्ट्राइक है, मतलब कि एक स्टिक बना है, ये वॉल्यूम के साथ रहता है, और अगर इसको क्रॉस करता तो और भी अच्छा देखने को मिलता। मैं सिर्फ ट्रेडर ने इसे बुकिंग किया था, इसलिए पोजीशन क्रॉस कर लिया, कोई बात नहीं। हैमर पैटर्न है तो नीचे प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेडर बाहर आएंगे, तो आपको इसमें सिर्फ बाई करना है। और ये पूछ रहे थे कुछ लोग कि जब 1 मार्च तक अगर वो ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि जब हम ज्वाइन करेंगे, आपको केवल अब पॉजिटिव देखना है यस बैंक में, निगेटिव कुछ भी नहीं है। और 3 महीने से 6, देखिए एग्जैक्ट डेट बताना ये बहुत मुश्किल है कि कब जाएगा, लेकिन 3 से 6 महीने में ये आपको 270, 280 जो आपको पहला टारगेट है 275 का, वहाँ पे ये इसका 60% होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वहाँ पे जाएगा। और फिर वहाँ से आपको 325, 350, तो वहाँ तक के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। और आज का जो रेट है इसका, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है आप देखेंगे 219 है। मंडे को ये वापस आपको 207, 208 तक जाके दिखाएगा आपको। वॉल्यूम देखिए क्या है, 18 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है सिर्फ। लेकिन हाँ, अगर डिलीवरी करें इसकी 40-50 लाख की है, तो अगर इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखें 20% है, तो 44 लाख से कहीं ज़्यादा है। तो डिलीवरी चूंकि ट्रेडर की वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है जो प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, इसके चलते आपको परसेंटेज कम हो गया है। लेकिन रियल परसेंटेज क्या है, अगर नॉर्मल इसकी परसेंटेज कहें तो ये 40-50% के डिलीवरी, 60% के लगभग डिलीवरी पे जा रही है ये। अगर उसको दूसरे तरह वॉल्यूम, अगर इसको नॉर्मल वॉल्यूम के रूप में कंपेयर करें, और ये सिर्फ आपको 1.97 के बुक वैल्यू पे मिल रहा है, इसमें खोने को कुछ भी नहीं है यस बैंक में। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें खोने को कुछ भी है। जो ILFS एक्सपोजर वगैरह था सब चीज़ बुकिंग हो चुकी है, NPM प्रोविजन हो चुका है, अब इसमें सिर्फ आने को है। इंडस्ट्री भी बहुत 33 का है, आपको अच्छा खासा पोजिशन देखने को मिल सकता है। और ये आप देखेंगे जनवरी 25 को, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको जो गैप अप ओपनिंग होगा, तो उसने ओपनिंग किया, गैप अप करके ओपन हुआ, 225 पे किया था, 15 का 25 पे हुआ था, फिर आपको 45 का हाई बनाया,
आपको बोला था कि हाई बनाने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, अगर किसने किया होगा तो वापस 218 की क्लोज दिया है हमने, छूट भी गए हैं तो अफसोस करने की बात नहीं है, ये वापस आपको 275, पहले तो 245, 275 और 300, 350 तक का लेवल दिखाएगा और 6 महीने के अंदर दिखाने के दम रखता है ये, क्योंकि इसमें कुछ हुआ नहीं था, इसमें सिर्फ राणा कपूर का केस चल रहा था, वो एक्सपोजर को लेकर के आरबीआई के साथ, वो इशू मेन ज़्यादा इशू था, और बैंकिंग सेक्टर में अब जो भी होना था हो गया, और एक जो बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी तो एक वहां पे हो सकता है कि एक प्रेशर देखने को मिले, तो यस बैंक में हर फॉल पे आपको बाइंग रखना है। अगर गोल्ड मुझे कोई 5,000 रुपये पे दे तो मैं बाइंग करूंगा, आज अगर 32,000 पे गोल्ड है तो। आप ये सोचेंगे नहीं गोल्ड की स्टेटस खराब हो गई, तो गोल्ड की स्टेटस कभी खराब नहीं हो सकती, मीन्स अच्छी चीज अगर आपको लो वैल्यू पे मिल रही है तो उसे बेकार नहीं समझना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में फोर्थ लार्जेस्ट है, मुझे लगता है आपको इसको बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए और सिर्फ बाय करना चाहिए, फिर भी कोई पोजीशन आपको बनानी हो अपने एडवाइजर से पूछ के ही बात करें। चार्ट पे मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लग रहा है ये, और ये देखेंगे तो ये देखिए सॉलिड, अब ये क्रॉस करके ये अभी अभी 100 को क्रॉस करेगा, पहले 100 को करेगा और फिर 200 को क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है, और 200 का जो लेवल है 257, 260 का लेवल है, अगर 260 ये क्रॉस करता है तो आपको बहुत ही अच्छा लेवल, मतलब आपको हो सकता है ये आपको यहाँ पे वापस आपको यहाँ पे 320 का लेवल आपको टच करके दिखा देगा और इसमें पूरा दम रखता है, और 320 के बाद आपको ये वापस 349 और फिर 388 तक जाएगा, तो एक अच्छी बाइंग है। स्विंग पोजिशनल के लिए बोलिए, आप जिसके लिए बोलिए, 6 महीने का आपको टाइम देना पड़ेगा और हो सकता है यहाँ से आपको ये 350 का लेवल भी यहाँ से दिखा सकता है। इनफैक्ट अब देखें तो बड़े ये देखिए मोतीलाल ओसवाल जी ने भी 25 जनवरी को 270 के बाय रिकमेंडेशन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मुझे नहीं बाहर के लोग भी हैं जिसने अभी बाय करने बाय रिकमेंडेशन देना चालू कर दिया है, तो 80% इसमें सेंटीमेंट है बाइंग का। अब ये आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या पोजीशन बनाना है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पोजीशन बनाना है। यस बैंक बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, मुझे लगता है कि इस पे पोजीशन बनानी चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए रिकमेंडेशन था, आपको डायरेक्ट मार्केट में कोई भी चीज़ मेरे कहने से बुक नहीं करना है, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, और डिस्क्लेमर है मेरा आप कुछ भी करें आप अपने रिसर्च एडवाइस लेके ही करें, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में होंगे अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो यस बैंक यहाँ से क्या दिखा सकता है वो आपको देखने को आज समझ में आ जाएगा। तो यस बैंक में बाय रिकमेंडेशन है 350 के टारगेट के लिए, 6 महीने का टाइम है, बट आप इसको वॉच एनालिसिस करते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 28 तारीख को ये एक बार नीचे की ओर दिखाएगा आपको अच्छे बाइंग पोजिशन के लिए आप बाई कर सकते हैं।